राजा भैया की बेटी ने बताया पापा क्यों है कुंडा के किंग। विजया राजेश्वरी ने बताया राजा ही कुंडा के भैया क्यों है। कुंडा की जनता बोली गुलशन जल्द गुल हो जाएंगे। 5 किलोमीटर सब पीछे है राजा से। पहली बार वोट देने के बाद राजा भैया की बेटी विजया राजेश्वरी ग्लोबल भारती भी पराई। बेटी ने बताया कि पापा हमारे किंग क्यों हैं। 5वें चरण का आज मतदान हो रहा है और 5वें चरण में सबसे खास सीट है कुंडा राजा भैया की। राजा भैया की बेटी है हमारे साथ में जिन्होंने वोट दे दिया है, अभी वोट कर दिया है, इनसे बात करेंगे। बेटी होने के नाते आप क्या सोच रही हैं, इस बार क्या होने वाला है कुंडा में? वोट कर दिया आपने? जी कर दिया वोट। साइन दिखा दीजिए। क्या होने वाला है इस बार, क्या सोच के वोट किया आपने? इस बार पूरी जनता कह रही है कि अब की बार 1.5 लाख पार जी, तो हमने भी यही सोच के और यही कामना करते हुए वोट करा कि अच्छा, जो जनता चाहती है वही हो। अच्छा पापा, आपके पिताजी को यहाँ की जनता क्यों इतना ज़्यादा लाइक करती है? लगातार 6 टाइम उनको, एक बार 7 टाइम बनाएगी विधायक MLA, तो इतना क्यों लाइक करती है? बींग डॉटर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हमें लगता है कि जनता उन्हें इतना प्यार करती है क्योंकि उनको बिल्कुल अपने परिवार मानती है और कितने विधायक हैं जो एकदम रीचेबल नहीं होते, वो ऐसे होते हैं कि उनको वो एक बार चुनाव जीतते हैं फिर वो बिल्कुल निकल जाते हैं, वो अपने क्षेत्र में आते ही नहीं है। और हमारे पिताजी जब भी यहाँ पे होते हैं हर दिन उनका रोज़ जनता दरबार लगता है और गांव के सब लोग आते हैं, उनको बिल्कुल परिवार की तरह मानते हैं। वो घर के झगड़े हो या नाली की कोई समस्या हो या ट्यूबवेल हैंडपम्प लगना हो गाँव में, जो भी प्रॉब्लम है, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, वो आकर के हमारे पिताजी से डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, इस बार कुछ चैलेंज नज़र आता है आपको? कुछ चैलेंज है सीट पे, क्या ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, इस बार थोड़ा ज़्यादा मतलब इस बार दल बन गया है तो इसीलिए डिफरेंट है, वरना हर चीज़ तो पिछली बार, मतलब जैसे हर बार हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समर्थक मिलते रहते हैं, उस तरह इस बार भी हो रहा है। क्या नाम है आपका? विजय राजेश्वरी। तो ये राजा भैया की बेटी है विजय राजेश्वरी, इन्होंने वोट कर दिया है। बेटे की बात का सच जानने हम कुंडा के अलग अलग जगहों पर जनता के बीच पहुंचे। यहां पर हर जाति धर्म के लोग हमें मिले, हर उम्र के लोग मिले, लेकिन हम भी हैरान हुए कि सबकी जुबान पे राजा भैया का नाम क्यों है। गुलशन यादव कहाँ है तो जनता ने ये तक बता दिया कि अखिलेश छोड़िए, मुलायम सिंह यादव भी होते तो राजा भैया ही किंग होते। मेरा नाम सौरभ मिश्रा, मैं बेतिक रहने वाला हूँ। अच्छा। हमारे राजा भैया यूपी के आन बान शान है और यहाँ से 1.5 लाख वोट से जीत रहे हैं और आरी यहाँ पर सब प्रभारी है। अच्छा, गुलशन यादव कह रहे हैं कि गुलशन माने कुछ नहीं, गुलशन उन्हीं के पाले हुए एक वो हैं। अच्छा, और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यहाँ पे कुंडी लगा देंगे? अखिलेश नहीं, मुलायम सिंह यादव आ जाएं, शिवपाल यादव आ जाएं तो कुंडी कोई नहीं लगा सकता है। अच्छा। यहाँ पर कुंडा की वो शान है। सही कह रहे हैं चाचा? जी सर। अच्छा। 5 किलोमीटर सब पीछे है राजा से। अच्छा, किलोमीटर में बात करिए, दूर दूर तक नहीं है कोई, कोई कोई गर्दा नहीं पाएगा। अच्छा, क्या होने वाला है आपकी बात? यारी निकल गई नंबर एक पे। अच्छा, तो मतलब राजा भैया को कब तक बनाओगे? राजा भैया जब जीवित रहेंगे तब तक राजा भैया खानदान चलेगा, तब तक राजा भैया कसम नहीं कसबद्ध है। अच्छा, जब तक जिंदा है, जब तक रहेंगे वो। सही बात है, एकदम सही बात है जी। अगर राजा भैया का जरूरत पड़े तो एक बोतल खून दे सकते हैं, वोट तो बातें ही छोड़ दो सरकार। हाँ, खून भी दे सकते हैं, एकदम विश्वास है। सही कह रहे हैं? हाँ भैया, खून दे सकते हैं जी। बिंदास, राजा भैया जिंदाबाद, राजा भैया जिंदाबाद। राजा भैया की दीवानगी ऐसी है कि बिहार या किसी राज्य में काम करने वाले लोग भी कुंडा में उनको जिताने आ गए हैं। हमें कुछ ऐसे ही लोग मिले तो कह रहे कुंडी लगा देंगे। कुंडी नहीं, कुंडा लगा दिए, बताओ ना, मैं कुंडी लगा देंगे। कुछ न कह पाई, रोन उचार पाई है। अच्छा, हाँ, राजा ऐसे के राजा है तो इनके आगे क्यों कुछ कह पाई। हाँ, तो और भी जनता यहाँ पे कुंडा की मौजूद है। दादाजी बड़ा अंगोछा डाले, ये तो आरी वाला है वही राजा भैया वाला? राजा भैया जिंदाबाद। तो ये अंगोछा डाले रहते हो आप? जी, एनी टाइम, साल के 12 महीने। पार्टी भी बना ली है राजा भैया? जी जी, बहुत अच्छा है, अपनी पार्टी है, अपना गांव है, गांव के राजा है। अच्छा। सारी जनता इन्हीं की है, यहाँ कोई पार्टी कोई मतलब नहीं है। अच्छा जी, किसी कोई मतलब जी नहीं भैया, कोई मतलब नहीं। ये जो आए हैं यादव जी, गुलशन यादव, अरे कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है जी। जी, कुंडी वाली बात पे क्या लग रहा है? वो खुद ही उनकी खुद ही कुंडी लग जाएगी इस बार, सपा पे खुद ही कुंडी लग रही है। अच्छा। जी भैया, टक्कर ले रहे हैं कि नहीं? कोई मतलब नहीं है। अच्छा। राजा भैया कह के कोई टक्कर देने वाला अभी पैदा ही नहीं हुआ है। अच्छा। जी भैया, तो 7वीं बार विधायक बनाओगे? जी जी, एकदम एकदम चुन लिए हैं। अच्छा, काहे इतना प्यार करते हो राजा भैया? जी, वो हमारे घर के राजा, हमारे मुखिया, हमारे सुख दुख में काम आते हैं। अच्छा। हम उनको छोड़ के कहाँ जाएंगे? सब कुछ वही है। कहाँ रहते हो? ये है जो ना मुझे कुंडा में। हाँ जी हाँ, वो डाला है? हाँ, वो डाले। अरे वाह, दिखाऊंगी हमारे कैमरे के सामने, ऐसे दिखाओ ऐसे। अच्छा, क्या सोच के वोट डाला है आपकी बार?
अब की बार हमारे राजा भैया बहुत अच्छे हैं जी, हमारे सबके सुख दुख में हर समय वो काम आते हैं। अच्छा। और जिस भाई के बहन बेटी गरीब हैं, अपने लड़कियों को शादी नहीं कर पाते हैं, वो राजा भैया उनकी बेटियों को शादी कराते हैं। अच्छा। जी हाँ, और हम उनके परिवार के सदस्य हैं। अच्छा। माननीय राजा भैया हमारे मुखिया हैं। और हाँ, क्या क्या अच्छा करते हैं राजा भैया? राजा बहुत अच्छा करते हैं, जिसका जो है लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, कोई कुछ भी हुआ, तो हमारी सबके जो ना है उनके यहाँ हम जाते हैं तो हमारा फैसला अच्छी तरीके से हो जाता है। अच्छा, हाँ, हम लोग को परेशानी नहीं होती है। अच्छा, कोई परेशानी नहीं होती है? नहीं होती है। अच्छा। हाँ जी हाँ, हम लोग भी जो है हम लोग जो है इसलिए जो ना है बाहर प्रांत में थे, बिहार प्रांत में भट्टे पर थे, हम लोग राजा भैया वोट देने के लिए यहाँ चले हैं। अच्छा। हाँ जी हाँ, गुलशन यादव के बारे में ये कहा जाता है कि वो पहले से ही कमजोर उम्मीदवार थे, ऊपर से अखिलेश यादव का कुंडा में आना और कुंडा कुंडी वाला बयान देकर जो बचा था उसे भी चौपट कर देना, इस बात से लोग बेहद नाराज हैं। की बात तो ताल ठोक रहे हैं गुलशन यादव? अरे वो कुछ नहीं, बेमतलब बातें करते। अच्छा, कह रहे हैं कि अखिलेश आए थे, कह रहे थे प्रत्याशी हमारा जीत जाएगा और कुंडा में वो कुंडी लग जाएगी। अरे उनके सात पुरखा आए हैं तो न लगवाए पे यही है। क्या कह रहे हो दादा? सात पुरखा आए हैं तो न लगवाए पे यही है। आपने बोला है कि नहीं? जी बोल दिया जी। और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। आप आइए, दुकानदार हाँ, दुकानदार भी हैं यहाँ पे, कुंडा वाले, कुंडा के जो है दुकानदार हैं, चाउमीन वाले भैया हैं। भैया क्या नाम है आपका? राजेश कुमार साहू। कब से दुकान लगाते हैं आप? हमको यह गया 4 साल यहाँ। अच्छा, यहाँ राजा भैया का घर आपके बहुत पास में है? पास में ही है। अच्छा, क्या लग रहा है आज वोट पड़ रहे हैं यहाँ पे? वोट डाल दिया आपने? वोट ने डाल दिया। वोट डाल दिया, उंगली दिखाइए। अरे वाह, तो क्या क्या किस मुद्दे पे वोट किया इस बार? अपने यारी निशान है। यारी निशान? हाँ, यारी निशान। हाँ, तो फिर से मतलब सातवीं बार विधायक बनाओगे? हाँ हाँ। अच्छा, और जो ये गुलशन यादव आए हैं उनके बारे में? उन तो बस ऐसे चर्चा उनके चलता रहता है। चर्चा चलता रहता है। हाँ। अच्छा, कुछ वो होने तो कुछ, वाला नहीं है यहाँ कुछ उनको? भैया भैया एक मिनट, क्या नाम है भैया? आप यही रहते हैं? आइए, हमारे दादाजी। दादाजी क्या नाम है आपका? गोपाल। कुंडा में रहते हैं? हाँ, बेटी। बेटी में रहते हैं? वही बेटी कुंडा। हाँ, हाँ। यही जो बगल में घर है राजा भैया का। हाँ। अच्छा, क्या होने वाला है आपकी बारे यहाँ? कुछ नहीं, तो बता रहे हैं कि गुलशन यादव आ गए हैं, बड़ा कोहराम मचा है यहाँ। कुंडी उनका लगा दी है? कुंडी नहीं लगा पाएंगे, कुंडा वही रहेगा। हमें तलाश थी यादव वोटरों की, हम पहुँचे यादव वोटरों के पास, हमें लगा कि वो अखिलेश गुलशन के साथ होंगे, लेकिन हम पूरी तरह से गलत थे। नहीं जी, यहाँ पर राजा भैया के अलावा जब तक राजा जिंदा रहेंगे। अच्छा। तब तक यहाँ कोई नहीं आएगा। अच्छा। कोई नहीं आएगा, कोई पार्टी नहीं आएगी। अच्छा। हाँ। क्या नाम है आपका? इधर आइए। विजय कुमार साहू। कहाँ रहते हैं? यही बेटी के रहने वाले। बोलिए, बेटी के विधानसभा कौन है? खतमपुर बोला, कुंडा। कुंडा विधानसभा जी। अच्छा, तो क्या है, वोट कर दिया आपने? अभी नहीं, देने जा रहे हैं। कुंडा का क्या माहौल लग रहा है आपको? एक नंबर राजा भैया हैं। अच्छा, राजा भैया हैं। हाँ। और कोई नहीं है? और कोई नहीं, तो कह रहे हैं कुंडी लगा देंगे, सब कुंडी उंडी लगा के बंद कर देंगे, कुंडा बता रहे हैं। अरे बोलने से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, अभी तो आदमी का मुंह है, कुछ भी बोलते हैं। अच्छा। हाँ, अभी हमारे घर के मुखिया हैं, हम लोग का परिवार दुख सुख में साथी हैं। अच्छा। तो हम इनको जानते हैं, उनको जानते हैं। क्या क्या अच्छा करते हैं राजा भैया आप लोगों के लिए? हम लोग को कोई दिक्कत होती है इन्हीं के पास जाते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। इतना खुश क्यों रहते हो? और जैसे कि कोई कोई काम बताइए आप, जैसे अच्छा क्या कर रहे हैं? आज 6 बार से विधायक हैं, यानी 30 साल हो गए लगभग। तो क्या लग रहा है आपको, क्या क्या अच्छा किया उन्होंने? अरे हम लोग को कोई भी प्रॉब्लम होती है, एनी भी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करते हैं, तो यही सब कुछ अच्छा लगता है। हम लोग के बीच में रहते हैं हमेशा। अच्छा अच्छा, जो विकास होना चाहिए वो विकास भी होता है। जी हाँ, विकास होता है जी। तो और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। एक बगल में मतदान हो रहा है और यहाँ पे कॉर्नर पे लोग जमा हुए हैं राजा भैया कुंडा के गांव में। ये क्या नाम है आपका? पप्पू यादव। पप्पू यादव, यहीं रहते हो जी? गुलशन यादव आ गए हैं आपकी बिरादरी के यहाँ? तो क्या हुआ, कुछ होगा यहाँ? यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा, कुछ नहीं होगा? बिरादरी वाला मामला नहीं होगा? बिरादरी वाला मामला जब होता है तब होता है, मगर जो दुख और सुख में काम देता है उसके साथ रहना चाहिए हमेशा। अच्छा, तो यादव यहाँ का सब राजा भैया की तरफ है जी? अच्छा, क्या अच्छा क्या लगता है राजा भैया में आप लोगों को? अच्छा ये लगता है कि हर समय हमारे साथ रहते हैं राजा भैया। अच्छा जी, तो लगातार फिर से एक बार इतिहास मतलब कायम रहेगा? हमेशा कायम रहेगा, एक बार नहीं, हमेशा, जब तक रहेंगे। जब तक हम पहुंचे पासी समाज के पास, क्योंकि कुंडा में एक पासी नेता सपा में शामिल हुए थे। दावा किया जा रहा था कि पासी वोटर सपा में शामिल हो जाएगा, लेकिन दावा पूरी तरह से गलत होता दिखा। क्या नाम है आपका? जी वीरेंद्र पासी। अच्छा, ये बताइए कहाँ रहते हो? ये बेती में। अच्छा, बेती में रहते हो, राजा भैया के गांव में? जी जी जी। वोट डाल दिया जी? क्या माहौल लग रहा है यहाँ? वो कह रहे हैं कुंडी लगा देंगे कुंडा में। ओके,
समय नहीं ना है भैया, अब का बताई आपसे, हम सब यही गरीब मनई, हम सब जनता ही, हमारे राजा हैं तो राजे की तरह रही थी। अच्छा। हाँ जैसे हुए यहाँ वैसे हम उस रही थी खुलेआम। हाँ भैया। अच्छा तो इनका इनका कुछ होने वाला नहीं है गुलशन यादव का? अरे भैया हुए जाने पगलऊ, हमारा तो सरकार है, उनके आगे धूर नहीं नहा हुए, हेन जिए हेन खान पियन कुछ नहीं, जब उनको उखाड़ा तो उखाड़ ली है। हम पहुंचे उन औरतों के पास जो जीत हार का फैक्टर तय करती हैं। सुनिए और तय करिए राजा कितने वोटों से चुनाव जीत सकते हैं। अम्मा क्या नाम है आपका? बंता। वोट डालिए वो डालिए दिखाऊ उंगली से। कहाँ रहती हो? कुंडा में? कुंडा है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या क्या सोच के वोट डाला आपकी बार? राजा भैया का और का। अच्छा हाँ, तो और लोग भी आ गए हैं आपकी बार? अब भैया हम नहीं जाने। अच्छा डाल दिया वोट? हाँ भैया। अच्छा अम्मा क्या सोच के वोट डाला आपकी? राजा भैया हमारे क्षेत्र के राजा हैं। अच्छा हाँ, क्षेत्र के राजा हैं और का, हमेशा राजा बनाए रहोगे उनको? बिल्कुल। वोटिंग वाले दिन कुंडा का ये हाल था। अंदाजा लगाएं कि सपा का वजूद प्रतापगढ़ में कितना होगा। हम हर जाति और हर वर्ग के पास गए पता करने के लिए कि राजा इज किंग या सिर्फ लोग राजा भैया कहते हैं। गुलशन और राजा का मुकाबला नहीं है और सपा ने गुलशन की बलि चढ़ा दी ऐसा लोग कहते हैं। सौरभ वाजपेयी, ग्लोबल भारत टीवी, बेती, कुंडा, प्रतापगढ़।